अस्सलामुअलैकुम व्यूवर्स, वेलकम बैक टू माय चैनल अगेन। उम्मीद करती हूँ आप सब लोग खैरियत से होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह हम लोग भी यहाँ पे खैरियत से हैं, खुश हैं। छोटी सी दुआ के साथ अपने व्लॉग का आगाज़ करती हूँ। खुश रहें, आबाद रहें, शादो कामरान रहें। तो मैं आज अपने फ्रेंड्स को लेकर जा रही हूँ वेस्ट जर्मनी के एक सिटी डुसेलडॉर्फ में। और डुसेलडॉर्फ कौन सा है, जर्मनी का 6 नंबर पे सबसे बिगेस्ट सिटी माना जाता है। तो फ्रेंड्स, हाईवे के बाद थोड़ा सा हमने एक और जगह से टर्न लिया है, जहाँ पे छोटे छोटे से थोड़े से गांव हैं और खूबसूरत सा एक इनका व्यू आता है सिटी का। तो ऑलमोस्ट हम लोग सिटी में एंटर हो चुके हैं और बस अब पार्किंग करेंगे सिटी के अंदर जाके, और फिर आपको दिखाएंगे इनका शॉपिंग सेंटर और चीज़ें जौन सी हैं यहाँ की, एक्सप्लोर करेंगे। तो लेट्स गो विद मी। तो एंटर होते ही सामने हमें एक इनकी मार्केट नज़र आई है। मार्केट लगी हुई थी आज इनकी जर्मनी में डुसेलडॉर्फ में। तो कितनी खूबसूरत रंगों की सब्जियां थी और बेतहाशा इकसाम की जौन सी थी यहाँ पे सब्जियां थी, टमाटर भी और प्याज भी और चीज़ें भी। तो यहाँ पे बहुत सारी कम्युनिटी के लोग रहते हैं, तो यहाँ पर वैरायटी भी उस लिहाज से ही यहाँ पर मंगवाई जाती है और सेल आउट की जाती है। तो व्यूअर्स, यहाँ से डुसेलडॉर्फ का जो ओल्ड सेंटर है वो स्टार्ट हो जाता है। बहुत सारे कैफेज हैं यहाँ पर, बहुत सारी शॉप्स हैं, ओल्ड बिल्डिंग्स, और बहुत सारे यहाँ पे जो कैफे हैं, बार्स हैं, रेस्टोरेंट्स हैं, फूड स्ट्रीट एक किस्म की पूरी यहाँ पे है। तो व्यूअर्स, आपको यहाँ पे जाते जाते इसी स्ट्रीट पे बहुत सारी जो मुझे डिफरेंट और ख़ास शॉप्स लगी हैं चीज़ों की, वो दिखाती भी जा रही हूँ। और इसके अलावा जो रेस्टोरेंट्स हैं उनकी बिल्डिंग्स हैं बहुत खूबसूरत सी, वो भी आप देखें और इन्जॉय करें। और इसके अलावा यहाँ पे ये बहुत ही मज़े की सिग्नेचर आइस भी है, वो भी मिलती है। और चलते हैं, ये सामने शॉप है सिग्नेचर आइस की, और देखते हैं वो कैसे हमें आइस बना के देते हैं। तो फ्रेंड्स, मेरी तो आइसक्रीम हो गई है रेडी ऑलमोस्ट, और बहुत ही खूबसूरत सा फ्लावर बनाया है रोज़ का। और आप अपनी चॉइस पे अपने फ्लेवर, अपने कलर्स जो से आइस के वो ऐड करवा सकते हैं। और चलते हैं अब मेन सिटी सेंटर इनका एक्सप्लोर करते हैं। यहाँ पे बहुत सारी बड़ी बिल्डिंग्स हैं, होटल्स की हैं और बहुत सारे शॉपिंग मॉल हैं। तो एक्सप्लोर करते हैं इनके शॉपिंग मॉल्स कैसे हैं यहाँ के और दूसरी चीज़ें कैसी हैं। फ्रेंड्स, जो जो मुझे स्पेशल लगेगा यहाँ पे मॉल्स में, शॉप में, मैं आपको ज़रूर इंट्रोड्यूस करवाऊँगी, ज़रूर दिखाऊँगी, ताकि आप भी देख सकें कि कौन सी चीज़ें इन है फैशन में और कौन सी नहीं।
तो फ्रेंड्स, जर्मनी एक बहुत बड़ा कंट्री है और इसी वजह से यहाँ पे चीज़ों की वैरायटी भी ज़्यादा है, खाने में भी और फैशन में भी। तो यहाँ पे हम वॉचेस की वैरायटी देखते हैं बहुत ज़्यादा है देन नीदरलैंड। सो और मुझे वॉच भी लेनी है अपने हस्बैंड के लिए, उनके लिए प्रेजेंट लेना था। तो देखते हैं कौन सी हमें पसंद आती है और आप भी मेरे साथ रहें और देखें कौन सी हमने बाय की है। तो फ्रेंड्स, हमने शॉपिंग मॉल तो वन विज़िट कर लिया, एक्सप्लोर कर लिया है। वहाँ पे क्या क्या चीज़ें थी मैंने सब आपको दिखाई और जो फैशन में थी वो भी सब मैंने आपको दिखाया। और अब चलते हैं बाहर और बाहर की तरफ निकल के नेक्स्ट हम देखते हैं हम कौन सा शॉपिंग मॉल है, कौन सा एरिया है, एक्सप्लोर करते हैं। तो निकलते सारे बहुत ही खूबसूरत सा ये पार्क है, वहाँ पे बहुत ही खूबसूरत फाउंटेन एक बनाया हुआ है सामने जो आपको नज़र आ रहा है और बहुत अच्छा और खूबसूरत सा व्यू ये पार्क देता है। इसके सामने होटल की जो है बिल्डिंग्स हैं, बहुत बड़े बड़े होटल्स हैं यहाँ पर और बहुत बड़े बड़े ब्रांड्स की शॉप्स हैं यहाँ पर। और एक और ये सामने आपको नज़र आ रहा है शॉपिंग मॉल, तो ये भी विज़िट करते हैं और देखते हैं इनमें कौन कौन सी और नई शॉप्स हैं। तो व्यूअर्स, मॉल से बाहर निकलते सार ही देखा तो मौसम बहुत ही ख़राब है और इतनी शदीद बारिश हो रही है। तो बस इसी बारिश में ज़रा घूमते हैं फिर थोड़ा सा और देखते हैं। सामने ही आपको बिल्डिंग जो नज़र आ रही है इनका स्टेशन है, यहाँ पे ट्रेन स्टेशन है। और आगे चलते हैं और चीज़ें एक्सप्लोर करते हैं यहाँ पर क्या क्या है। और यहाँ पे एक और मॉल था, शॉप थी यहाँ पे बहुत ही खूबसूरत सी एक यूनिक किस्म की क्रॉकरी यहाँ पे मुझे नज़र आई तो सोचा आपको भी दिखाऊँ ये क्रॉकरी। तो बस रिवर, इसके बाद मैं आपको लेकर जा रही हूँ यहाँ पे राइन रिवर है, बहुत फेमस है यहाँ का राइन रिवर। तो काफ़ी बारिश हो रही थी, मैंने अम्ब्रेला पकड़ के ही पूरी ये वीडियो जौन सी है हाफ मैंने बनाई है और बस आप थोड़ी सी कम हुई थी तो सोचा जल्दी से आपको यहाँ का राइन रिवर का व्यू दिखा दूँ। यहाँ पे नीचे राइन रिवर के साथ बहुत ही खूबसूरत से रेस्टोरेंट और कैफेज बने हुए हैं और आप वहाँ बैठ के लंच और डिनर सब इंजॉय कर सकते हैं और राइन रिवर को भी इंजॉय कर सकते हैं। इसके एक साइड पे, राइट साइड पे सामने आपको म्यूज़ियम की बिल्डिंग नज़र आ रही है। चूँकि बारिश और मौसम इतना ख़राब है कि मैं आपको वहाँ तक विज़िट नहीं करवा सकती और सामने इतना खूबसूरत सा शिप जा रहा है उसका व्यू इंजॉय करें आप भी और मैं भी इंजॉय कर रही हूँ। और इसके जो लेफ्ट साइड पे है तो वो भी आपको बिल्डिंग नज़र आएगी, यहाँ पे टावर है, यहाँ का राइन टावर है उसके नेम से फेमस है यहाँ पे। और आप वहाँ पे जाके और पूरा राइन रिवर जौन सा है वो हाइट पे जाके इंजॉय कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स, हम लोग आए हैं ग्रोसरी स्टोर जो कि यहाँ का फेमस और सबसे बड़ा है, काउफलैंड जर्मनी का। और हम लोग ने यहाँ से थोड़ी सी की है ग्रोसरी शॉपिंग और इसके बाद हम लोग जाएंगे खाना खाने के लिए। और आज हमारा प्लान है तुर्किश खाने का और देखते हैं तुर्किश जो हमें रेस्टोरेंट है वो कहाँ पे अच्छे और रिजनेबल प्राइस में मिलते हैं। तो यहाँ पे एक फूड स्ट्रीट है पूरी तुर्किश रेस्टोरेंट्स की, तो वहाँ पे एक हम चूज़ करते हैं कौन सा है और हमने चूज़ किया है ये वाला। तो व्यूअर्स, आप भी आए मेरे साथ, अंदर चलते हैं और देखते हैं आप क्या ऑर्डर करते हैं यहाँ की जो फेमस
दो से तीन डिशेस हैं वो मंगवाते हैं और देखते हैं ये हमें कैसा रेडी करके देते हैं और आपको भी दिखाती हूँ तो कैसा तैयार होके आता है। लेट्स वेट। फ्रेंड्स हमारा डिनर रेडी हो चुका है सर्विंग के लिए और हमारे टेबल पे आ चुका है गरम गरम मज़ेदार किस्म का। तो हम लोग करते हैं डिनर एंजॉय और आप लोग करें मेरी वीडियो एंजॉय और आपसे अपने नेक्स्ट व्लॉग में मुलाकात होगी। अपना ढेर सारा ख्याल रखिएगा और मुझे अपनी दुआओं में ज़रूर याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।